मंगलमैथ स्टूडेंट, इन चैप्टर 5 वी आर स्टडिंग अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के डेली लाइफ में क्या यूजेज हैं इसके बारे में स्टडी किया। अभी तक हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का दो जगह यूजेज के बारे में स्टडी किया, एक तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन और दूसरा इन द ट्रीटमेंट ऑफ आंट और बी स्टिंग। Now we will study about the usage of neutralization reaction in daily life. तो इसमें हम आज हम लेते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। तो सॉइल के ट्रीटमेंट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या यूज है? तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है या सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो प्लांट्स उसमें ठीक तरीके से ग्रो नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं होती है। तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें हम कोई बेस ऐड करते हैं, यानी बेस का ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। तो क्या करता है ये बेस, जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी प्रकार से अगर सॉइल की नेचर बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेस है उसके अंदर सॉइल के अंदर, तो हम उसमें मैन्योर या कोई ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर या मैन्योर का ट्रीटमेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर है उससे उसकी नेचर एसिडिक होती है, उससे एसिड रिलीज होता है और ये एसिड जो एक्सेस में बेस है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस प्रकार से सॉइल को हम ट्रीटमेंट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इसमें इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिकिंग। सो स्टूडेंट, जब भी हम कुछ खाते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, तो उसके बाद हम अपने टीथ को वॉश करते हैं, माउथ को वॉश करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी फूड हमने खाया है जो कि पार्टिकल्स हैं, वो हमारे टीथ में स्टक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं और क्या होता है, इससे वो खराब होने लगते हैं, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। ये बैक्टीरिया उस फूड पार्टिकल को डिकम्पोज करता है और क्या होता है, इसे एसिड रिलीज करता है। तो इस एसिड की वजह से क्या होता है, हमारे टूथ डिकी होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रोज पेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो उसकी नेचर स्लाइटली बेसिक होती है, क्योंकि उसके अंदर बेस होता है। तो ये बेस जो एक्सेस में एसिड है जो हमारे टूथ पर डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहती है और हमारे टूथ डिके होने से बच जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, हमें रोज ब्रश करना चाहिए, दिन में 2 बार करना चाहिए, मॉर्निंग में करना चाहिए और एक रात को सोने से पहले करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे टूथ डिके होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज। अब जो कम फैक्ट्रियाज होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा एसिड है, एसिडिक नेचर का है, तो उसमें हम कोई बेस कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने के बाद ही उस वेस्ट को हम किसी रिवर में छोड़ते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। और यदि जो फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट बेसिक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी नेचर बेसिक है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम उसको रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले कोई एसिड उसमें मिला देते हैं, एसिड का ट्रीटमेंट कर देते हैं, या फिर उसको किसी ऐसे वेस्ट के साथ मिक्स कर देते हैं जो दूसरी कंपनी से, दूसरी फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है, वो एसिडिक है। तो वो एसिड जो एक्सेस बेस है, यानी जो बेस जो बढ़ा हुआ है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाती है और उसके बाद ही उसको हम वेस्ट को किसी रिवर में डिस्चार्ज करते हैं ताकि वो पोल्यूशन ना फैलाए। क्योंकि अगर वैसे जो ऐसे वेस्ट को हम रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, उस रिवर का पानी एनिमल्स वगैरह यूज कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है और इसके अलावा इससे पोल्यूशन भी फैलता है, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो
क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल के वेस्ट को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में कितना यूज है। तो स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको रेगुलर सेंड कर रहा हूँ। ये टॉपिक का फिनिश हो गया है, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर रेगुलर अपनी नोटबुक में करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।